भाई गुरशरण सिंह जी लुधियाना वालियां दी रस भिन्नी आवाज विच हर वेले कथा कीर्तन अते सिमरन दा आनंद मानन लई भाई गुरशरण सिंह जी ऑफिशियल चैनल YouTube नू सब्सक्राइब करो अते नवे कीर्तन वीडियोस लई बेल आइकन नू जरूर दबाओ अते ऑल नू सिलेक्ट करो। इस नाल हर नवे वीडियो दा नोटिफिकेशन आप जी दे मोबाइल ते आएगा, फिर तुसी उस दा आनंद माण सकदे हो। वाहे गुरु 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 करो।
इबादत है, यही बंदगी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु दिया गुरु दिया ज्ञान अंजन गुरु दिया गुरु दिया ज्ञान अंजन गुरु दिया ज्ञान अंजन गुर दिया गुर दिया ज्ञान गुर दिया ज्ञान अंजन गुर दिया गुर दिया ज्ञान अंजन गुर दिया गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश अज्ञान अंधेर विनाश अज्ञान अंधेर विनाश अज्ञान अंधेर ज्ञान अंजन गुर दिया गुर दिया ज्ञान
संत पेटिया नानक मन परगास हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन परगास हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन परगास हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन परगास नानक मन परगास नानक मन परगास जी नानक मन परगास नानक मन परगास ज्ञान अंजन गुर दिया गुर दिया 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 गुर दिया गुर दिया ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंजन गुर दिया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी धन 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 धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ज्ञान अंजन गुर दिया गुर दिया ज्ञान अंजन गुर दिया गुर दिया ज्ञान अंजन गुर दिया गुर दिया सतगुरु जी बख्शिश कर रहे ने कहते ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश अंजन कहिंदे ने सूरमे जेड़ा अखां च पांदे कहिंदे ज्ञान अंजन गुर दिया ये जिहड़ियां अखां ने इन्हां नूं साफ रखण वास्ते इन्हां नूं सही रखण वास्ते कई बारी मावां बच्चियां नूं ना सूरमा पाया कर दिया सन पहले पहले आखो सतनाम अज तां इह रिवाज खत्म हो गया अज सीधा डॉक्टरी चल पैंदा अगे सूरमे पाए जांदे सन कहिंदे इहदे नाल निगाह तेज भी रहिंदी है अखां साफ भी रहिंदियां ते इह वी कहा जांदा सी जिन्ना कौड़ा सूरमा होएगा कहिंदे उन्ना अख नूं फायदेमंद है पर इधर महाराज ने इन्हां अखां की गल नहीं की इन्हां अखां की गल नहीं की पातशाह कहिंदे जिहड़ियां अंदरलियां अखां ने या उहों कह लो जीवन दियां अखां उह जीवन दियां अखां नूं महाराज ने ज्ञान का सूरमा दिता आखो सतनाम गल नूं समझ लो जिहड़ा मेरे जीवन दियां अखां ने ना उहनूं ज्ञान का सूरमा दिता कि इस जीवन नूं किवें तोरना है इस जीवन दे विच किहड़े किहड़े काम करने ने कि अपने मालक की खुशी ले सके ये जीवन नूं किवें जीउणा है किवें सफल जीवन करके जाना है ये सारे ज्ञान मेरे सतगुरु जी ने दिते ने ज्ञान अंजन गुर दिया ते उहदा रिजल्ट की निकलिया कहिंदे अज्ञान अंधेर विनाश मेरे जीवन दे विचों अज्ञानता दा हनेरा दूर हो गया मेरा जीवन खिड़ गया मेरा
मेरा जीवन रोशन हो गया, निर्मलो निर्मल हो गया जीवन, स्वर गया, शिंगारिया गया, निखारिया गया। कारण कि इस जीवन दे विच गुरु का ज्ञान शामिल हो गया, पसतना। और जिवें जिवें गुरु दे ज्ञान ने मेरे जीवन की अगवाई की, बस सच कहिंदा दास जीवन जीवन का स्वाद ही आ गया, को सतना स्वाद ही आ गया। अगे निकी निकी गल्लां परेशान कर दिंदियां सन, मैं प्रैक्टिकल गल करन लगा, निकी निकी गल्लां परेशान कर दिंदियां सन। छोटा जिहा कोई दुख आ जांदा सी, अंदरला हिल जांदा सी, डोल जांदा सी अंदरला। पर जदों सतगुरु का ज्ञान मैनू मिलिया, गुरु की समत मैनू मिली, गुरु के अनमोल बचन, वो बचन ज्ञान रूप च मैनू मिले, सतगुरु ने दसिया जीवन बेटा ऐदा नहीं, ऐदा जी, इस परिस्थिति दे विच ऐदा काम कर, इन हालातों च आ काम कर, नाम का पला पकड़, सेवा का पला पकड़, परोपकार का पला पकड़, नेकियां दा पल्ला पकड़। हर मोड़ ते सतगुरु जी ने मेरे जीवन दी जदों कीती ना अगवाई, बस फिर की सी, फिर तां वड्डी वड्डी मुसीबतां तों भी ए जीवन सात संगत लड़न लई समर्थ हो गया, को सतनाम। ए सच, अगे छोटे छोटे फिकरां तों भी घबरा जांदा सी, फिकरां तों, हुण वड्डियां वड्डियां मुसीबतां नूं भी दलेरी नाल चलदा, क्यों? गुरु दे ज्ञान करके। आखो सतनाम। ज्ञान अंजन गुर दिया गुर दिया, ज्ञान अंजन गुर दिया गुर दिया, गुर दिया गुर दिया, ज्ञान अंजन गुर दिया गुर दिया गुर दिया, ज्ञान अंजन गुर दिया। अज्ञान अंधेर विनाश, 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 अज्ञान ज्ञान अंजन गुर दिया गुर दिया, ज्ञान अंजन गुर दिया गुर दिया, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 ज्ञान अंजन गुर दिया गुर दिया, अंजन गुर दिया ज्ञान अंजन गुर दिया, ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंजन गुर दिया, गुर ज्ञान अंजन सच ने तेरी पाया, गुर
ज्ञान अंजन सच ने करी पाया। गुर ज्ञान अंजन सच ने तेरी पाया। गुर ज्ञान अंजन सच ने तेरी पाया। अंतर जानन अज्ञान अंधेर गवाया। अंतर जानन अज्ञान अंधेर गवाया। अंतर चानण अज्ञान अंधेर गवाया। अंतर चानण अज्ञान अंधेर गवाया। ज्ञान अंजन गुर दिया। ज्ञान अंजन गुर दिया। ज्ञान अंजन गुर दिया। ज्ञान अंजन गुर दिया। ज्ञान अंजन मोको गुर दीना। 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 राम नाम बिन जीवन मन हीना। राम नाम बिन जीवन मन हीना। राम नाम बिन जीवन मन हीना। राम नाम बिन जीवन मन। ज्ञान अंजन मोको गुर दीना। 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 वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। ज्ञान अंजन गुर दिया। गुर दिया। ज्ञान अंजन गुर दिया। गुर दिया। ज्ञान अंजन गुर दिया। गुर दिया। गुरु जीवन जीवन दी जाच सिखांदे ने। अपना ज्ञान दे के अपनी समत दे के जीवन जीवन दा ढंग दसदे ने सतगुरु। ढंग धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दे समय दी ए वार्ता है जी। महाराज दरबार च बैठे ने ते प्रेम वालियां संगतां के बैठे। प्रेम वालियां संगतां महाराज दे चरणा च बेनती करन लगियां। कहिंदे पातशाह कुछ मन दे सवाल ने, कुछ मन संशय ने। गुरु का काम ही यही है सत संगत सरसे निवृत करना को सतनाम। वाहे गुरु। गुरु का अर्थ की है
ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਅੰਦਰ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜੇ ਸਹੀ ਮਿਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਸੌਖਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਫ਼ਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕੁਰਾ ਪਏ, ਬਈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸੱਸ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਮਾਲ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ, ਬਸ ਆਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਪੀ ਲਓ, ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਵੀ ਪਤਾ, ਆਹ ਵੀ ਪਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਖਾ ਲਓ ਕੁੱਕੜ ਛੁੱਕੜ ਖਾ ਲਓ, ਪੀ ਲਓ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਜੀ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ, ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਸੋਣਾ, ਬਸ ਆਹੀ ਮਨੋਰਥ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਕੇਵਲ ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਰਹਿਣਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਤਸੰਗ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਸਹੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ, ਸਹੀ ਸਿਹਤ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ, ਅਗਲਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿੱਠਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਧਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਆਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਵਾ, ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਪੰਡ ਚੱਕ ਲਈ ਪਾਪਾਂ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਮੁਸਕੁਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੇਵਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਹੱਸਣਾ ਸੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਭੋਗਣੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਬਲਕਿ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ
सात संगत हसन खेडन तो वर्जी है, ना खान पीन तो वर्जी है, ना कोई होर कर्म करन तो वर्जी है। पातशाह कहिंदे तू ग्रस्ती विच हसना खेडना है, हर रंग मानने ने, पर वेखी केवल उस रंग दे विच ही खचत हो जाना। कहिंदे ना भाई ना, ना। उस केवल उस रंग च ही खचत नहीं। सतगुर कहिंदे मान सारे रंग पर निशाना कुछ होर रख। निशाना की रखना है जी? निशाना कहिंदे उच्चा सुच्चा किरदार रख के, उच्चा सुच्चा किरदार, ये दो चीजा आ गई विच। कहिंदे उच्चा सुच्चा किरदार रख के शुभ गुणा का धारनी बनना, अपने किरदार नूं उच्चा रख। ये जिहड़ा किरदार ना साडा ये उच्चा। एक गल मैनूं दसो जी, अज सिख धर्म नूं नमस्कार क्यों है? क्यों नमस्कार है? क्योंकि सिखां दे किरदार बड़े उच्चे रहे ने। आखो सतनाम। सरदार दे किरदार बड़े उच्चे रहे ने, सिखां दे किरदार बड़े उच्चे रहे। पहला समा हुंदा सी जे मावां ने तोरना हुंदा सी ना अपनी धी नूं बाहर, ते ओ मावां कहिंदियां सन जे किते कल्ली होवे ना कल्ली, ते एक सरदार नूं लब लई। आखो सतनाम। एक सरदार नूं लब लई, महफूज तैनू घर छड के जाए। अकिरदार है, अकिरदार बड़ा तगड़ा किरदार। सत संगत सतगुरु कहिंदे ने जीवन दे मनोरथ दे सब तो पहला जेड़ा काम है ना, सब तो पहला काम जीवन दे किरदार नू उच्चा रख के शुभ गुणा दा धारनी होना। जेड़े शुभ गुण ने, चंगे गुण ने, जिस गुणा दे करके मैनू सतगुरु दी खुशी मिलनी है, ये हुण तुसी देखना है जी किहड़े शुभ गुण ने। हर कदम ते तुसी शुभ गुण कमा सकदे हो, हर कदम ते। जीवन तुरदियां नूं जीवन रुकदा नहीं जी, जीवन चलदा जांदा है, चलदा जांदा, किसी दा जीवन नहीं रुकदा, जीवन चली जांदा है। ओ चलदे जीवन दे शुभ गुण दा धारनी बणदा जा, कमांदा जा हर पल। जिहड़ा शुभ गुण कमा सके कमा। आखो सतनाम। जिहड़ा शुभ गुण कमा सके कमा। जीवन दा मनोरथ जीवन नूं सफला करके जाना, जीवन दा मनोरथ सतगुरु कहिंदे ने जीवन नूं सफला करके जाना। ते ए पहली गल दसी सतगुरां ने, उच्चा सुच्चा किरदार रख के शुभ गुणा दा धारनी। और जिवें जिवें मैं सच कह रहा जी, जिवें जिवें शुभ गुणा दे धारनी बणदे जाओगे ना, शुभ गुणा दे धारनी, खुशबू आएगी तुहाडे विच, शुभ गुणा दी खुशबू आएगी। पातशाह कहिंदे कहिंदे जे गुण होवन साजना मिल सांझ करी जाए, गुणा का होवे वासला कट वास लही जाए। कहिंदे जे अंदर तेरे गुण नहीं कट बार दे खुशबू, सारियां तक तेरे गुणा दी खुशबू पहुंचे। आखो सतनाम। ये पहली गल सतगुरां ने दित्ती, जीवन दा मनोरथ जीवन नूं सफला करके जाना। तो जीवन नूं सफला करके जाण दा ये पहली गल सी। दूजा मालक कहिंदे ने यतन करो, यतन जितना बच सको यतन करो, विकार रहत जीवन जियो। आखो सतनाम। विकार रहत जीवन, विकार जेडे माड़े हो गुण ने, हरेक नूं पता हुंदा है कर्मां वाले, हरेक नूं पता है मेरे अंदर आ विकार ने, हरेक नूं पता हुंदा मेरे अंदर आ कमियां ने, बस खेड इन्नी है। वो कमियां दे पता होंदिया होया भी असी कुछ नहीं करते। आखो सतनाम। असी कुछ नहीं करते, पता भी है मेरे अंदर क्रोध है, पता भी है मैं ईरखा दा भरिया होया, पता है मेरे अंदर निंदिया है, होमे कुछ कीता है, कुछ कीता है, कदे हल्ला मार लिया करिए। महापुरख जुगती दसदे सन कहिंदे जे अपने कोलों, जे अपने कोलों हिम्मत नहीं पैंदी ना फिर गुरु नूं विच शामिल कर लै। हां जी सत श्री अकाल। फिर गुरु नूं विच शामिल कर, करो जपजी साहिब दा 250 पाठ किस खातर,
कि हे सचे पातशाह आ निंदिया का जेड़ा विकार मेरे अंदर पल रहा है गरीब निवाज ये दूर हो गए ये दूर कुछ करिए तो सही कुछ करिए तो सही अंदर सड़न है और है भी सच अंदर सड़न है किसी नू देख देख के सड़दे हैं है जी हुण ये बड़ा भैड़ा हो गुण कदे इहदे लई कुछ कीता 250 पाठ चौपाई साहब सचे पातशाह ये मैं करांगा ये मैं करांगी 250 पाठ करन तो बाद गल चो जूरिया पाओ गरीब नवाज इस औगुण की मैं अरदास करवा रही हूँ सचे पातशाह आ औगुण मेरा दूर हो गया को सतनाम और गुरु की बाणी नू विच पाओ गुरु नू विच पाओ गुरु के ज्ञान नू विच पाओ कुछ करिए तो सही करिए तो सही सतगुरु जी कहते जितना हो सके विकार रहत जीवन जियो जीवन का मनोरथ पूछा सी ना जीवन का मनोरथ पातशाह कहते जीवन का मनोरथ जीवन सफला करके जाना उदे वास्ते आ दूजी गल दसी कि विकार रहत होके जीवन जियो यतन करिए सत्संग यतन फिर पातशाह कहते ने कहते देखो सिखो मनुखा जन्म कई जूना तो बाद मिले ये सतगुरां ने उदों भरे दीवान च समत दिती धन गुरु अर्जन देव महाराज ने कहिंदे ये जेड़ा जन्म है मनुखा जन्म ये बड़े जूना तो बाद बड़िया जूना तो बाद ये जन्म मिले है ते कहिंदे इनू खराब करके ना जाए सफल भई सफल यात्रा करके जायो ते मालक उथे सिखा नू कहण लगे कहिंदे सुनो कर्मा वाले की कहिंदे लख चौरासी जोन सवाई लख चौरासी जोन सवाई मानस को प्रभ दी वडियाई मानस को प्रभ दी वडियाई कहिंदे जीवन दा मनोरथ जीवन नू सफला करके जाना सफला करके जाना ते बड़ी मुश्किल दे नाले जीवन मिलिया मनुखा दे ही मिली है 84 दा गेड़ कट पता नहीं कितनिया जूना किनिया टेढ़िया मेढ़िया माड़िया गंदिया जूना भोग के इत्थे पहुंचे ते कई कहंदे ने जी खा लो पी लो मौज कर लो आ जग मिठा अगला किने डिठा कहंदे ओए भोलिया जे ए बरिया निकल गई हाथ मलदा रह जाएगा फिर जदों सिर ते दुखां दा डंडा पैंदा है ना फिर जदों दर्द दा डंडा पैंदा है चोट पैंदी है उदों बंदा कुरलांदा फिरदा है ते मेरे साहिब कहिंदे सुनो लख चौरासी जोन सवाई लख चौरासी जोन सवाई मानस को प्रभ दी वडियाई मानस को प्रभ दी वडियाई इस पौड़ी ते जो नर चुके इस पौड़ी ते जो नर चुके सो आए जाए दुख पाएंदा सो आए जाए दुख सो आए जाए दुख पाएगा आए जाए दुख पाएगा वाहिगुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहिगुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे पातशाह कहन लगे जीवन दा मनोरथ जीवन दा मनोरथ है जीवन नू सफला करके जाना इहदे वास्ते पहला किरदार उच्चा दूजा शुभ गुणा दा धारनी तीजा विकारां तो रहत जीवन पातशाह कहिंदे कोशिश तां कर विकारां तो रहत दा जीवन
फिर जड़ी अगली गल पातशाह कहिंदे सिखो हुण आ जड़ी गल करन लगे इत्थे जोर देना ज्यादा ओ की कहिंदे फिर नाम दा रंगण आखो सतनाम नाम दा रंगण कई इस चीज ते सत्संग ते इतराज करदे कहिंदे जी नाम जपण दी की लोड़ है उच्चा सुच्चा किरदार होना चाहिए साफ सुथरा अक्ष होना चाहिए बंदा झूठ ना बोले माड़ा ना करे किसी नाल ठगी ना करे फरेब ना करे कहिंदे बंदा इदां दा किरदार वाला होना चाहिए नाम जपण दी की लोड़ है नहीं करमा वाले हो तुहाडे शुभ गुणा नू अगर कोई वाड़ लाएगा तो वह है नाम आखो सतनाम वह है नाम तुहाडे कोल शुभ गुण होणगे उन्हां नू वाड़ लगी रहेगी जे तुहाडे पल्ले नाम होएगा पल्ले नाम होएगा अच्छा कहिंदे जिथे शुभ गुणा दा धार नहीं होना जिथे किरदार उच्चा रखना जिथे विकारां तो जीवन नू रहत रखना कहिंदे उथे नाम दा रंगण भी चढ़ाना आखो सतनाम नाम दा सत श्री अकाल नाम दा रंगण भी चढ़ाना नाम भी जपना है भजन भी करना है बंदगी भी करना है साहिब कहिंदे तू कर सारे काम पर एक गल ध्यान रखी सारे काम करदे आ तैनू तेरा वाहिगुरु भी चेते रवे आखो सतनाम नानक सतगुर भेटी है नानक सतगुर भेटी है पूरी होवे जुगत पूरी होवे जुगत ओ पूरी होवे जुगत पूरी होवे जुगत हसंदिया खेलंदिया पहनंदिया खावंदिया विचे होवे मुकत विचे होवे मुकत हाँ जी विचे होवे मुकत विचे होवे मुकत महाराज ने किते नहीं किया कि माला फड़ के बस बह जा कदरा ते बह जा पहाड़ा ते चढ़ जा जंगलों च बह जा खाली ना पातशाह कहिंदे कर सारे काम ते फिर किवें कहिंदे हसंदिया खेलंदिया पहनंदिया खावंदिया विचे होवे मुकत विचे होवे मुकत पातशाह कहिंदे खेड ना खेड जड़ी मर्जी खेड खेड पर ओ खेड ना खेडी जिस खेड दे करके ए जीवन दी बाजी हार के जावे ऐसी कला ना खेडी है जित दरगह गया हारी है खेड बाकी जड़ी मर्जी गेम खेड माड़िया खेडा ना खेडी माड़े कर्म ना कमाई जे तू अकल लतीफ काले लिख ना जिस खेड दे विच जेड़े काम दे विच काले लेख लिखे जान ओए ओ खेड ना खेडी ओ खेड ना खेडी किसी नू रवाएगा ए काले लेख लिख रहे किसी नू तड़पाएगा किसी नू रोलेगा किसी नू दुख देगा ए जड़ी खेड खेड रहे हैं ना बंदिया ए ओ खेड खेड रहे हैं जिस खेड दे करके तू हार के जाएगा पातशाह कहिंदे ऐसी कला ना खेडी है जित दरगह गया हरी है हसंदिया खेलंदिया कहिंदे हस खेड जो मर्जी कर पहनंदिया खावंदिया खा पी पर वेख अपने असले तू ना टुट जा अपने असले तू ना टुट जा मेरे साहब ताई तो बख्शिश कर रहे की कहिंदे हसंदिया खेलंदिया पहनंदिया
ਖਾਵੰਦਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਬੋਲੋ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦਿਆ ਗੁਰ ਦਿਆ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦਿਆ ਗੁਰ ਦਿਆ ਹੋ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦਿਆ ਗੁਰ ਦਿਆ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦਿਆ ਗੁਰ ਦਿਆ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਾ ਸਕਣ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਉਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਅੱਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾਸ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪੰਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਤੋਰ ਸਕੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਨਾ ਮੂਲ ਮੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾਤਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵਧੇਗੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਭਜਨ ਕਰੋਗੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵਧੇਗੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵਧੇਗੀ ਸੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਗੇ ਖੇੜੇ ਵਧਣਗੇ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧੇਗੀ ਸੱਚ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਸੁੱਖ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਸਮਝ ਲਵੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਅੱਖ ਆਈ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜੇਵਰ ਹੈ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਗਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੇਵਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੇਵਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੇਵਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਉਹ ਜੇਵਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਏ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਲਪਿਆ ਹੋਵੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਔਗਣਾ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਜੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾਓ ਚਲੋ ਪਾਓ ਹੁਣ ਉਹੀ ਜੇਵਰ ਪਾ ਕੇ ਵਿਚਰੋ ਕੀ ਸੁੱਖ ਦੇਗਾ ਉਹ ਜੇਵਰ ਉਸ ਵੇਲੇ
नहीं देगा, नहीं देगा। ये सदीवी सुख नहीं है जी। ते पातशाह कहते सदीवी सुख है परमेश्वर का नाम, आखो सतनाम परमेश्वर का नाम। उदो सतगुरां ने आ पंक्ति सतगुरां ने बख्शिश की, कहते सिखो सुनो। डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन, डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन, डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन, ओहो धन होसी छार जाने कोई जाने, तन धन होसी छार जाने कोई जाने, तन धन होसी छार जाने कोई जाने, जवाब। ये दो पंक्तियां च सासन पढ़ते खोल के रख, परता ला के रख। कहिंदे डिठा सब संसार, मालक कहिंदे मैं वेख्या सारा संसार, वेख लिया संसार दियां सारियां वस्तुआं देख लिया, जिन्हों बंदा कहिंदा सी इहदे करके मैनू सुख है, इहदे करके मैनू सुख है, इहदे करके मैनू सुख है। पातशाह कहिंदा मैं वेख लिया सारिया चीजा वेख लिया, कहते सुख ना नाम बिन, आखो सतना सुख ना नाम बिन। डिकलेयर करता महाराज ने जी कि सुख नाम तो बिना नहीं जे, आखो सतना। फिर अगे सुचेत बिरती की गल की, जेड़ा सुचेत बिरती जिन्हों ज्ञान है, कहते तन धन होसी छार, कहते आ तन धन माया कहते सब खत्म हो जानी है, तन धन होसी छार जाने कोए जन, कहते कोई कोई है, कोई कोई जिन्हों ये पता है, जिदे विचों मैं सुख मानता पिया, जिन्हों मैं सुख मनता पिया, भाई ये तो छार हो जानी है, ये तो खत्म हो जानी है, इन्हें तो खत्म हो जाना है, तो क्यों ना हो वे? मैं सदीवी सुख के नाल जुड़ जा। तो सदीवी सुख केड़ा है जी? वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, परमेश्वर का नाम, वाहे गुरु, हो वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। देखा सब संसार सुख ना नाम बिन, सब संसार सुख ना नाम बिन, देखा सब संसार सुख बोल के बोलो सुख ना नाम बिन, सुख ना नाम बिन, सुख ना नाम बिन, सुख ना। आ ज्ञान दत्ता सतगुरा ने, कहांगे ना ज्ञान अंजन गुर दिया गुरे दिया, ज्ञान गुर दिया गुर दिया, ज्ञान अंजन गुर दिया गुर दिया गुर दिया, ज्ञान अंजन गुर दिया गुर दिया गुर दिया, ज्ञान अंजन
जन गुर दिया गुर दिया गुर दिया ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंजन गुर दिया 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 अज्ञान अंधेर नाश अंधेरे दे विच बंदा ठोकर खांदा है अंधेरे दे विच डोल जांदा है थिड़क जांदा है चोटां खांदा है अज्ञानता दा अंधेरा भी इदां ही है सास इदां ही है अज्ञानता दे अंधेरे दे विच भी बंदा दुखी रहिंदा है ਭਰਮਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਟਕਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਲਟ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਿਲੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ पता लग गया कि ये चीजा पखंड ने आखो सतनाम ये चीजा पखंड ने यह बंदा मैनू पखंड नाल जोड़ रहा ज्ञान आ गया अगे अगे नहीं ज्ञान से हुण ज्ञान आ गया यह चीजा मैनू पखंड नाल जोड़ अगे नहीं ज्ञान से हुण ज्ञान आ गया कि यह बंदा मैनू पखंड नाल जोड़ रहा यह बंदा मैनू वहम भरम नाल जोड़ रहा निकल जाएगा बंदा उतों आखो सतनाम निकल जाएगा जागृति चाहिए है पर वो जागृति कितों आएगी गुरु के ज्ञान दे विच आखो सतनाम गुरु के ज्ञान संगत विचों ही प्यार वाले ने तीसरा सवाल किया कहिंदे महाराज परमात्मा तो साड़ी विथ क्यों है परमात्मा तो साड़ी विथ क्यों है मालक ने जदों इन्नी गल सुनी ना बड़े प्रसन्न कहते वाह मेरे सिखो अज ओ सवाल तुसी कर रहे हो जिथों मैनू यह पता लग रहा कि वाकई तुसी तुरे होए हो आखो सतनाम जे कोई तुरिया ही नहीं होएगा तो वो सवाल भी नहीं होणगे आखो सतनाम अगर कोई काम कर ही नहीं रहा वो सवाल भी नहीं होणगे सवाल ओदे होणगे जिहड़ा काम कर रहा है जड़ा तुरिया होया आखो सतनाम ये सच्चाई पातशाह कहिंदे मैनू आ यकीन हो गया है मेरे प्यारे हो मेरे बच्चे हो तुसीं तुरे होए पातशाह परमात्मा नालों साडी विथ क्यों और ये सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहेगा विथ क्यों पातशाह कहण लगे मेरे बच्चे हो इहदा सीधा जवाब है कि परमात्मा नालों जे साड़ी विथ पई हुई है ते केवल माया करके आखो सतनाम लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरता माया ने अपना अमर खेड़ वरता दिता भरम जाल पा दिता हुण वह भरम जाल दे विच बंदा फिर कई पाप कई औगुण कई माड़े काम वो करता गया मलीन होंदा गया अंदरों काला होंदा गया ज्यों ज्यों काला होंदा गया त्यों त्यों विथ पैंदी गई आखो सतनाम हुण सुणदे जाणा इह लिंक दर लिंक हुण अगे सवाल चलणगे पातशाह कहिंदे इह माया करके माया दी जकड़ कारण कहिंदे इह जिहड़ी माया दी जकड़ है माया दी पकड़ कहिंदे इहदे कारण ही बंदा धोखा करदा है सच्चाई है ना जी इहदी पकड़ कारण ही बंदा फरेब करदा बंदा लुट को खरदा बंदा मार पिटाई करदा बंदा क्राइम करदा होर माड़ियां खेडा बस खाली इहदी पकड़ करके आखो सतनाम पकड़ तो जिस दिन छुटिया मैं सच्चाई कह रहा जी जिस दिन पकड़ तो छुटिया जीना आ जाएगा आखो सतनाम
जिस दिन पकड़ तो छुट्टेगा तो महाराज ने सारे जीवन दे विच मेरे बाजां वाले का जीवन वेख्यो सारे जीवन दे विच महाराज ने पकड़ तो छुट्टन बारे ही दसिया छुट्टन बारे महाराज ने कितने पकड़ रखी आनंदपुर की कि असी वसाया एडी मेहनत नाल वसाया आ कीता ओ कीता बिल्कुल नहीं समा आया छाड़ दिता पकड़ की बच्चियां दी नहीं पकड़ की आप हथी सजा के महाराज ने धन धन बाबा अजीत सिंह जी नूं भेजिया जंग दे मैदान आप हथी सजा के महाराज धन मेरे बाजां वाले माही ने धन धन बाबा जुझार सिंह जी नूं आप शस्त्र बस्त्र पवा के जंग दे मैदान च भेजिया पता है वापस नहीं आणगे पकड़ रखी नहीं रखी नहीं रखी पकड़ सवा लख दी चंदन दी चौकी च महाराज अपने चरण रखते सन उदों भी शुकर च सन उदों भी शुकर सी ते जदों माछी वाले दा जंगल आया कंडे पैरां च चुभदे पे ने महाराज उदों भी शुकर च ने आखो सतनाम पकड़ रखी नहीं महाराज ने अपने जीवन काल च पकड़ नहीं रखी ते अपने सिखां नूं भी यही समर्थ दित्ती कि जितनी पकड़ तैनू होएगी उतने तू औगुणा वाल वधेगा उन्ने पाप कर्म कमाएगा जिन्नी पकड़ तो दूर होता जाएगा पाप कर्मा तो भी दूर होता जाएगा खो सतनाम इत्थे आके फिर सतगुरु जी ने समत दित्ती धन गुरु अर्जन देव महाराज ने समत दित्ती कहिंदे ओए बंदिया अनकाए रातड़िया अनकाए वाट दोहेली राम वाट दोहेली राम हाँ जी वाट दोहेली राम वाट दोहेली राम पाप कमांदियां तेरा कोई ना बेली राम पाप कमांदिया तेरा कोई ना बेली राम पाप कमांदिया तेरा कोई ना बेली राम केंदे अन्न काहे रतड़िया केंदे होर कम्मा चे रतिया गया फस गया वाट दोहेली राम अपने रस्ते नू दुखदाई करता तू रस्ता दुखदाई करता कंडे बिछाते अपने रस्ते च दुखदाई करता अनकाहे रातड़िया कहिंदे एडे एडे कम माड़े शुरू कीते कि तेरा रस्ता माड़ा हो गया दुखदाई हो गया फिर सतगुरु जी ने समझाउणा कीता कहिंदे देख इस पकड़ ने की कीता इस माया दी पकड़ ने की कीता तेरे कोल पाप कर्म करवाए इन्ने पाप कर्म कराए कि तेरे पापा की पंड वधदी 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 इन्नी वध गई कि तू विछड़दा विछड़दा उस परिपूर्ण परमात्मा तो विछड़ के बहुत दूर निकल गया को सतनाम ते कई बारी तो इत्थे तक वेख्या जांदा है कईयां नूं कहिंदिया पता नहीं रब है भी है कि नहीं आखो सतनाम रब है भी रब की होंद के उपर भी सवाल किया जाता है इन्ना दूर निकल गया इन्ना दूर सवाल सी महाराज परमात्मा तो साड़ी वेथ क्यों ते पातशाह ने कहा यह माया कर यह माया की पकड़ कर फिर अगला सवाल नाल ही सिखा ने सवाल किया सत्संग क्योंकि जो इस सवाल का जवाब मिले कई बार बच्चे के सवाल का जवाब आप देने ना वो अगला सवाल नाल ही उदे उत्पन्न हो जाता उदा सवाल का जवाब अगला सवाल नाल ही उत्पन्न हो जाता इदे ही प्यो पुत्रां च खेड तुर रही सी महाराज भी बैठे सन संसा मिटाण वास्ते ते पुत्र अपने संसे निवृत्त कर रहे सन अगला सवाल विचों ही संगत विचों कीता कहिंदे पातशाह फिर ये दसो माया दे हथियार किहड़े किहड़े ने आखो सतनाम जे माया एडी माड़ी है माया की पकड़ एडी माड़ी तो पातशाह माया खाली ये पैसा ना समझना जी बड़े बड़े रूप ने माया दे
ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੈਨਾ, ਝੂਠ, ਨਿੰਦਿਆ, ਈਰਖਾ, ਹੋਰ ਦਵੈਸ਼ ਭਾਵਨਾ, ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਥ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਕਰਕੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਦਾਸ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਢੰਗ ਹੋਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਢੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਬਚਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਢੰਗ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੀਣੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੱਤ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਢੰਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗਣੀ ਪਏਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੂਸਰਾ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੁੰਦੀ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਬਰੁੱਲ ਬਰੁੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਗਿਆ ਨਿਤਨੇਮ, ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਗਿਆ ਰਾਤ ਦੀ ਬੰਦਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਜਿਤਨਾ ਬੰਦਾ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਿਸਰਦਾ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚੇਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਆਇਆ, ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਆਇਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਨਿਤਨੇਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੱਖ ਰਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਦੀਪ ਲੋਤਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਸੀ ਬਿਟੀਆ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਟੀਆ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਤੇ
रोज का अमृत वेल है, सिमरन साधना च रोज आते हैं रोज। मैं इस गल तो बड़ा प्रभावित होया, सच्चाई बहुत मैं प्रभावित होया जो मैं ये गल पता लगी। बड़ा बड़े घट कोई ऐसे सूरमे होंगे ने जिहड़े इस कारज दे विच भी अपने गुरु नू नाल लैके तुरन, जी गुरु के दसे हुए सूलां ते पहरा देण। नित दा अमृत वेला ते जदों घर च विआह आंदा किथे जांदे अमृत वेले जी टुट जांदे, पर इन्हां गुरमुख प्यारियां ने सत संगत अमृत वेला पक्का रखिया। इन्हां दी मिसिस ने कहा जी कि सवेरे विआह है जी ते तुसीं घट्टो घट अज सवेर तां ना जाइओ, ध्यान देना बई घट्टो घट अज सवेर, सवेरे काम बड़े होंदे ने, भजना दौड़ना पैंदा और धी दे विआह दे वेले तो वैसे ही बड़ा भजना दौड़ना पैंदा। ते सत संगत ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਬਈ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦਾ ਨਾਗਾ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾਗਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮਨ ਠਹਿਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਠਹਿਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ ਕਦੇ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਗਾ ਪਾ ਦੀ। कमाल दी सोच सास। उस दिन भी अमृत वेले आए जी, अमृत वेले इन्हां दे मिसेज ने पुछया कहिंदे जा रहे हो फिर आके किवें, फिर सर कहिंदे आके नहीं सोवांगे, सारे कारज करदे ने, एक दिन नहीं आके आराम होया, किहड़ा शरीर इत्थे मरन लगा। सत संगत खुशी दे विच भी अपने अमृत वेले नूं बरकरार रखे, नितनेम बरकरार रहे बड़ी वड्डी बात है। खुशी दे विच तां बल्कि ज्यादा बंदा दूर होंदा है, राती नच टप लग्या रहिंदा, लेडी संगीत है जी, फलाना संगीत है जी, ढंगाणा फंक्शन है जी, ते की होंदा जी राती दो बज गए ढाई बज गए है जी, सवेरे गया अमृत वेला को सतनाम, गया अमृत सच है ना जी, सच गया अमृत वेला। पातशाह कहण लगे कहिंदे सुख दुख विच प्रभु दे नाम दा आसरा लैणा है, छड़ना नहीं आसरा। ते तीजी जुगत दसी महाराज ने कहिंदे गुरु दा हुक्म मंदिया हर वेले सीस शुकराने च रवे आखो सतनाम। सत श्री अकाल। कहिंदे गुरु दा हुक्म मंदिया हर वेले सीस शुकराने च रवे, हर वेले सीस शुकराने च रवे, यह भी बड़ी वड्डी दात है। जदों आ कदम चकने शुरू करते, मैं सच कहना जे गुरु बचना ते पहरा देण दा मन तुहाडा होर करेगा, होर करेगा, होर करेगा, ये सच्चाई है। कदे करके वेखो तो सही। सतगुर कहण लगे कहिंदे इन्हां हथियारां तो बचना है, ये माया दे हथियार जिहड़े ने काम क्रोध लोभ मोह हंकार, इन्हां तो बचना है, ते गुरु दे बोलां नूं कमाणा पएगा, सुनना पेगा फिर कमाना पेगा। तो महाराज कहन लगे ये वास्ते जीवन दे विच गुरु होना भी जरूरी है, खो सतनाम। ये वास्ते जीवन दे विच गुरु होना भी जरूरी है, जिदी कमाई कर सकी सच्चाई सस। असी लख कह लईए, लख कह लईए कि असी गुरु नूं कमांदे हाँ, गुरु नूं कमांदे हाँ, गुरु नूं मनदे हाँ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मनदे हाँ, पर सच तो यह है जे अमृत नहीं छकिया तो सत संगत साढ़े जीवन दे विच हले गुरु शामिल नहीं होया, को सतनाम, हले शामिल नहीं होया। असी हर कर्म कांड भी करी जाते पे तो कहिंदे जी गुरु नूं भी मनदे हाँ, गुरु नूं भी मनदे हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब साढ़े गुरु, हर कर्म कांड भी करी जाते, कदे झाती मारे हो गुरु अंगद साहब महाराज के जीवन दे जी। पहले जीवन सी धन गुरु अंगद साहब महाराज जी का देवी पूजक, जदों बाबा लहणा जी से देवी पूजते सन, देवियां की इबादत करनी, देवियां के दर ते जाना। पर जदों गुरु नानक साहब का संग मिलिया, ध्यान देना जदों गुरु नानक साहब की शरण मिली, फिर ये नहीं कि इत्थे भी रिझा लवा उत्थे भी रिझा लवा, थड़ा एक थड़ा एक गुरु नानक वाले पासे जुड़े, फिर वो पासा हिलाता, पता लग गया कि मैं सच नाल जुड़ गया। गुरु अंगद साहब महाराज नूं पता लग गया मैं सच, कहिंदे सारी जिंदगी मैं भटकदा रहा,
देवी दे उपासक सन जी। कहिंदे मैं सारी जिंदगी भटकदा रहा पर जदों गुरु नानक साहब दे चरणा नाल गंडे गए फिर ए दर ता चेता रहा हुण दूजा दर चेता नहीं रहा को सतनाम कदे बाबा अमरदास जी वल वेखे तीर्थ यात्रा जानी किन्निया किन्निया तीर्थ यात्रा करनी है किन्ने किन्ने देवियां दे दर्शन करन जाने और किन्नी वड्डी उम्र तक जांदे रहे जी किन्नी वड्डी उम्र तक जांदे रहे पर जदों मेल होया धन गुरु अंगद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दा बई वाह जदों मेल होया धन गुरु अंगद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी सारे तीर्थ भुल गए जी सारे देवी देवते भुल गए ओ किते पढ़े आ तुसीं कि जदों गुरु अंगद साहब महाराज दे चरण शरण च आए ते इधर गुरु नूं वी रिझांदे पए ने ते उत्थे देवी देवतियां नूं वी पूजदे पए ने नहीं नहीं एक पासा खड़ा ले उन्होंने देखिया जी सच सच करमा वाले हो मैं एक गल कह दिया जेड़ा जिस धर्म च है मुबारक मुबारक पर एक गल का ध्यान रखना जिथे पखंड है जिथे भरम है जिथे सात संगत अपनिया जरूरत करके अड़ाया जाता है मैं बस खाली इशारे दे रही उतों निकले हो बार और यह हर धर्म के कर्मकांड है जी हर धर्म एक कर्मकांड सिखिजम के भी है इस्लाम भी है यह कर्मकांड हिंदुजम भी है हुण तां हर पासे कर्मकांड तुरदा जा रहा पातशाह कहण लगे कहिंदे जीवन च गुरु होना जरूरी है जदों गुरु अंगद साहब महाराज ने गुरु धारण किया फिर सारे पिछले कर्म खत्म ध्यान देना जी जदों गुरु अमरदास महाराज ने गुरु धारण किया सारे पिछले कर्म खत्म जीवन च गुरु होना तो सतनाम जीवन दे विच गुरु हो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जे आप जी मनते हो सस फिर मैं सच कहना हुण एक गल दसो मैं बाबा कबीर जी की किन्नी कमाई सी किन्नी कमाई पर फिर गुरु धारण करना पिया ना गुरु धारण करना पिया करमा वाले हो ये तुहाडे चरणा च बेनती कर लगा दास जे गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं मनदे हो तो सहजे सहजे मन बनाओ सहजे सहजे मन बनाओ कि गुरु वाली यात्रा करो गुरु वाले बन के यात्रा करो गुरु वाले बन के गुरु की सोच कमा के ए जीवन यात्रा सफल करके जाओ आखो सतनाम सत श्री अकाल क्योंकि जिन्हें हाले गुरु धारण ही नहीं किया गुरु धारण ही नहीं किया जिहड़ा निगुरा बैठा है जिन्हें अमृत नहीं छकिया वह दसो जी उन्हें गुरु धारण किया वो तो जीवन च गुरु आए लख बोली जा बाजा वाले मेरे गुरु ने कि जीवन दे च गुरु आए गुरु पंजा प्यारियां कोलों मंत्र लिया अच्छा कहने नहीं लिया ना दस केड़ा है तेरा गुरु जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज सर्टिफिकेट दिखा सर्टिफिकेट दिखा है ही नहीं मंत्र कितों लिया मंत्र कितों लिया जी पता ही नहीं पंजा प्यारियां कोलों मंत्र मिलता जे और छेवां बंदा छेवां शरीर कोई मंत्र सानू नहीं दे सकता जी साडे धर्म च कोई छेवां शरीर सानू मंत्र नहीं दे सकता अगर मंत्र मिलेगा सानू गुरमंत्र दीख्या मिलेगी वो पंज प्यारियां कोलों ही मिलेगी ते जिहड़ी दीख्या पंज प्यारियां कोलों मिलेगी उस शब्द की कमाई करके सत्संग रंग लगेगा मैं नहीं कह रहा मेरे सतगुर कह रहे हैं आ सुनियो की कहिंदे ने गुरमंत्र हीनस जो प्राणी गुरमंत्र जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रष्टने त्रिगंत जन्म प्रष्टने कूकर सूकर गर्दबे काके सरपण
देख लो जी प्रतख सतगुर बोल पे की कहिंदे ने कहिंदे गुरमंत्र हीनस जो प्राणी ध्यान देना जी गुरमंत्र हीनस जो प्राणी जो जिन्हें ने जिन्हें हले गुरु दा मंत्र लिया ही नहीं गुरु कोलो मंत्र लिया ही नहीं कहिंदे त्रिगत जन्म प्रश्न है त्रिग है उदा जीवन ते जीवन प्रश्न है हुण अगे आ जाओ कहिंदे जे एदा ही जीवन लंघ गया और गुरु धारण नहीं कीता सच्चाई जानना जे गुरु धारण नहीं कीता पातशाह कहिंदे कुकर है सुकर है गर्दब है काक है सरपण है कहिंदे तुल खलै इहो जे टेडियां मेडियां जूना कहिंदे कुकर है कुत्ते दी जून कुकर है सुकर है सूर दी जून गर्दब है खोते दी जून काक है कां दी जून सरपण है सप दी जून कहिंदे ऐसियां टेडियां मेडियां जूना च पैंदा रहेगा ऐसियां टेडियां मेडियां जूना जिन्हें गुरु कोल मंत्र लिया ही नहीं आखो सतनाम पातशाह कहिंदे जीवन दे च गुरु धारण कर ते गुरु दे बोलां नू कमाई कर गुरु दे बोलां ते पैरां दे जिद्दां जिद्दां गुरु दे बोलां ते पैरां दे ही जाओगे करमां वाले हो सतगुर कहिंदे ने आ जिहड़े माया दे हथियार सी ना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जिहड़े हथियार ये जिहड़े पंज विषय विकार ये इहनां दा प्रभाव दिन प्रतिदिन तुहाडे लई घटदा जाएगा को सतनाम घटदा जाएगा साईं कहिंदे ने बस यही एक हल है यही एक हल है सारयां ने सीस निवाया शुकराना कीता कहिंदे सच्चे पातशाह आप जी ने ऐसा ज्ञान दिता है जिस ज्ञान नू कमा के असी अपना जीवन सफला कर सकते हैं जीवन सफला कर सकते हैं ते सच सतसंग जी जे अज इस दीवान दे विच सतगुरां दी कृपा आ ज्ञान सतगुरु जी दा असी सांझा कीता ते असी भी सतगुरां दे ज्ञान दे उपर पहरा दे के जीवन ढाल के जो तुरंगे ना फिर सच कहिंदा जे दास सफल सफल भई सफल यात्रा फिर यात्रा सफल होके जाएगी की कहिंदे साहिब ज्ञान अंजन गुर दिया गुर दिया ज्ञान अंजन गुर दिया गुर दिया ओ ज्ञान अंजन गुर दिया गुर दिया गोरे दिया गोरे दिया ज्ञान अंजन गोरे दिया गोरे दिया गोरे दिया ज्ञान अंजन गोरे दिया ज्ञान अंजन गोरे दिया गोरे दिया ज्ञान अंजन गोरे दिया गोरे दिया ज्ञान अंजन गुर दिया गुर दिया ज्ञान अंजन गुर दिया गुर दिया अगर तुहानू ए वीडियो वधिया लगी है तो लाइक करो अते अगे शेयर जरूर करो जी।